तो फ्रेंड्स मैं करने वाली हूँ आज बॉलीवुड स्टाइल साड़ी ड्रेप, और देख सकते हो आप यहाँ पर मैंने दो लुक इसी साड़ी से किए हुए हैं, बट वीडियो में एक ही शेयर करने वाली हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता और फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता तो आप लोग वॉच नहीं करते फुल। तो इसका जो पार्ट है मैं दूसरा बाद में शेयर करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुड़िया और आप देख रहे हो मेरा चैनल डिजाइन भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले मैंने अपनी हील्स वेयर कर ली हैं, आपको भी इस तरह से हील्स पहन लेनी है, उसके बाद ही साड़ी ड्रेप करनी है। इससे आपको आइडिया रहेगा कि साड़ी की लेंथ आपको कितनी रखनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी साड़ी ये है पर्पल कलर की, इस पर आपको जो है गोल्डन वर्क मिल जाता है, कुछ लहंगा स्टाइल साड़ी है मेरी ये। तो चलो मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले एक ड्रेप आपको कर लेनी है, और मैंने जो पेटीकोट वेयर किया है उसका नारा आपको जो है मिड में ही रखना है ताकि साड़ी का ओवरऑल जो शेप है काफ़ी अच्छा आएगा और बहुत ही स्लिम आएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक ड्रेप कर ली है साड़ी की, जैसे नॉर्मल हम सभी साड़ियों में करते हैं उसी तरीके से कर लेनी है। और इस तरीके की साड़ियों की बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, बट जो मैं साड़ी ड्रेप करने वाली हूँ बिल्कुल यूनिक होगा और बहुत ही अलग हटके होगा ये वाला लुक, आप देखोगे जब आगे मैं साड़ी ड्रेप करूँगी। तो उसके बाद इस तरह से आपको देख लेना, अच्छे से लेंथ वगैरह अपनी देख लेना है कि कितनी है। आपको फ्लोर से टच करती हुई साड़ी ही वेयर करनी, यानी कि हील्स आपकी कवर होनी चाहिए, इतनी साड़ी आपको रखनी है अपनी लंबाई में। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना जो है पल्लू मेजर किए ले रही हूँ कि मुझे कितना पल्लू चाहिए। तो मैं थोड़ा नीले से जो है लंबा ही पल्लू रखती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा लंबा पल्लू पसंद है। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा लंबा दिखना है, यानी आपको थोड़ा सा टॉल दिखना है तो, और इससे आपकी ओवरऑल जो लंबाई वो भी अच्छी लगती है साड़ी में। हाँ, दो मिस्टेक मैंने इस ड्रेप में की हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कहाँ कहाँ पे दो मिस्टेक की हुई हैं। वो मिस्टेक आप ना कीजिएगा क्योंकि जब हम साड़ी ड्रेप करते हैं उस वक्त एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है, तो और फिर कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए नया देना रहता है, तो कभी कभी जो है मिस्टेक हो जाती हैं साड़ी में। देन जब बाद में वीडियो देखते हैं तो याद आता है कि हाँ यहाँ पर ये भी कर लेते तो अच्छा लगता, तो इसलिए मैं वो चीज़ें आपको बता दूंगी ताकि जब आप ड्रेप करें साड़ी को तो वो मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने पल्लू अपना इस तरीके से बना लिया है। अगर आप बिगनर हैं तो आपको इस तरह से पल्लू बनाते जाना है और पिन लगाते जाना है पल्लू में, क्योंकि सिल्क की साड़ी है, थोड़ी सी हैवी बॉर्डर की है, तो ये साड़ियाँ ज़्यादा शिफ्ट करती हैं, जल्दी इनकी प्लेट जो है इधर उधर शिफ्ट होने लगती है और ये साड़ी सरकती बहुत ज़्यादा है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी प्लेट्स बनाएं तो उसमें पिन लगाते चलें, इससे आपका पल्लू एकदम सेट रहेगा और ज़रा सा भी आपका पल्लू इधर उधर नहीं होगा। मैं डबल करके वीडियो चला रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मतलब फुल वीडियोस भी दिखे, और थोड़ा सा आगे करके मैं वीडियोस दिखा रही हूँ आपको ताकि इजीली तरीके से आप देख पाओ और समझ भी पाओ कि मैंने किस तरीके से ड्रेपिंग की है। उसके बाद नॉर्मल हम अपने जो साड़ी का फैब्रिक है उसे इस तरह से खींचते हुए लाएँगे और कमर की साइड की फिटिंग को अच्छे से टाइट करते हुए एक पिन हम लगा लेंगे ताकि ओवरऑल जो पोर्शन हमारा साइड का है वो अच्छा आए और बहुत फिनिशिंग के साथ है, इसलिए इस तरह से आपको कर लेना है। आप चाहें तो पिन लगा लीजिए, और अगर आप पिन नहीं लगाती हैं तो मैंने कई तरीके बताए हैं कि आप साइड की जो साड़ी है उसकी फिटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं और आप देख सकते हो जाके। बस आपको करना क्या है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना है और बेल बटन को प्रेस करना है ताकि जो भी वीडियो डालती हूँ मैं उसकी नोटिफिकेशन भी आप तक आ जाए और जो मेरे वीडियो पहले के पड़े हैं उनसे भी आप अपडेट होते रहें। तो बस इतना ही आपको करना है। तो इस तरह से उसके बाद देख सकते हो कि मैंने जो है अपना जो नीचे का बॉर्डर था उसे किस तरीके से ऊपर की ओर उठाया है, तो आपको भी इसी तरीके से करना है। सबसे पहले तो आपको एक प्लीट्स डालनी है ताकि नीट एंड क्लीन लुक आपका कमर का रहे। उसके बाद आपको नीचे का बॉर्डर उठाना है, उसे फोल्ड कर देना है जैसे मैंने यहाँ पर किया है। फोल्ड करके साड़ी देख रहे हो आप, थोड़ी सी उल्टी है लेकिन ये साड़ी कुछ इस तरीके की है। अगर आपके पास कुछ इस तरीके की साड़ी है तो ही आप ये वाला लुक कर सकते हैं, अदरवाइज किसी में तागा निकला होता है या कढ़ाई पीछे कुछ और दिखती है, आगे से कुछ और होती है, तो आप वो लुक नहीं कर पाएंगे जो मैं कर रही हूँ। तो अगर सेम आपका आगे पीछे का जो कढ़ाई है वर्क है आपकी साड़ी का वो एक जैसा होगा तो ही ये लुक आप कर पाएंगे ईजिली। तो यहाँ पर बस इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है और अपने बॉर्डर को यहाँ पे आपको प्लीट्स आप बनानी है बिल्कुल मिड में, आपको टक कर लेना है एक सेफ्टी पिन की हेल्प से, और सेफ्टी पिन आप अपने अकॉर्डिंग जो है अप्लाई कर सकते हैं, जितनी आपको लगती है कि हाँ यहाँ यहाँ पे आपको लगानी चाहिए उतनी इतनी आप लगा सकते हो, ये आप पर है। कोई ऐसे ही बाउंड आंसर नहीं है कि नहीं एक मैंने लगाई तो आप एक ही लगाओ। उसके बाद नॉर्मल आपको सारी प्लीट्स बना लेनी है जैसे कि मैंने बनाई हुई है, यहाँ पर देख सकते हो एक एक प्लीट्स इस तरह से आपको गैदर करनी है, अच्छे से जर्क करना है ताकि सारी प्लीट्स ओपन हो जाएं, कोई भी प्लीट्स आपके अंदर दबी ना रहे इस तरह से। और उसके बाद सारी प्लीट्स को अच्छे से सेट करते हुए आपको पेटीकोट के साथ में इसे टक कर लेना है जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ।
इस तरह से नीडली प्लेट्स आपकी आ जाएगी और देखने में साड़ी का जो लुक है वो भी ओवरऑल काफ़ी अच्छा आएगा। उस तरह उसके बाद आपको इस तरह से सारी प्लेट्स को सेट करना है और बॉर्डर को साथ में लेते हुए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पर आपका बेली बटन है वहाँ पे थोड़ा सा जो मैंने बॉर्डर ऊपर किया है तो यहाँ पर थोड़ा सा पफी सा लुक दिख रहा होगा, तो वो लुक आपका पफी ना दिखे और पेट जो है आपका ज़्यादा टमी पे ये ना लगे कि आपका टमी काफ़ी फूला फूला सा दिख रहा है, तो उसके लिए आपको यही करना है कि बॉर्डर के साथ आपको पिन अटैच करनी है ताकि स्लिम सा लुक आ जाए वहाँ पर। और उसके बाद बस इस तरह से आपको अंगूठे के नीचे साड़ी का बॉर्डर दबाते हुए और खींचते हुए आपको प्लेट सही कर लेनी है। तो इस तरीके से प्लेट भी आपकी सही से सेट हो जाएगी और जो आपका बॉर्डर साइड का है वो भी अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद पल्लू को अभी मैं इसी तरीके से रहने दे रही हूँ, बस खाली जो फैब्रिक उसे सही किए ले रही हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि पल्लू आपको किस तरह से सेट करना है, क्योंकि पहले मैंने इसी तरीके से पल्लू सेट किया हुआ था बट कुछ पल्लू जच नहीं रहा था और प्लेट्स के पास कुछ अच्छा सा लुक भी नहीं आ पा रहा था, तो फिर मैंने पल्लू को चेंज किया है, वो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। तो पहली गलती आप देख लीजिए यहाँ पर मैंने जो की थी वो ये थी कि मैंने अगर पल्लू को थोड़ा सा छोटा किया था तो मेरा दोनों बॉर्डर जो था वो मुझे बराबर मिल जाता, मेरा एक बॉर्डर थोड़ा सा जो ऊपर वाला है वो आधा था और एक बॉर्डर मेरा पूरा था, तो ये चीज़ थोड़ी सी लुक जो है साड़ी का ख़राब सा दिख रहा था। अगर मैं इस बात पर ध्यान देती तो शायद जो है मेरा लुक काफ़ी अच्छा आता, तो ये मैंने पहली गलती की थी। अब यहाँ पर मैंने पल्लू अपना निकाल दिया और मैंने ब्लाउज़ अपना वेयर कर लिया है टी शर्ट हटा के, तो अब मैं देख रही हूँ कि आप मैंने बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए पिन लगा ली है। उसके बाद बॉर्डर के अकॉर्डिंग जो फैब्रिक बचा हुआ है उस फैब्रिक को मैं प्लीट्स में कन्वर्ट करके और उसे एक पिन के हेल्प से सिक्योर किए ले रही हूँ, कुछ इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ उस तरह से आपको कर लेना है। इससे जो आप साड़ी का पल्लू लेंगे तो पल्लू भी आपका बहुत ही खूबसूरत लगेगा और जितना भी आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो उसी के साथ में छुप भी जाएगा, और पीछे का जो आप मैंने कॉल दिया हुआ है ये कॉल आपका थोड़ा सा लूज भी रहेगा, जब आप चलोगी उठोगी बैठोगी तो ऐसा नहीं कि आपका बार बार फंसे। सिर्फ ये नहीं कि वीडियो बनाने के लिए मैंने ये लुक किया है उसके बाद आप ये लुक करके अगर कहीं जाना चाहो तो आपको चलने में दिक्कत हो बैठने में दिक्कत हो, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर बॉर्डर चेंज करके मतलब पल्लू अपना चेंज किया है। उसके बाद आपको अपने फैब्रिक को अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा पल्लू आधा आधा सा दिख रहा है ना ऊपर वाला, तो ये जो मेरी पहली गलती थी मैंने बता दी, थोड़ा सा पल्लू मुझे छोटा कर लेना था तो मेरा बॉर्डर पूरा आ जाता और लुक ओवरऑल बहुत ही सुंदर निकल के आता। सेकंड गलती मैंने क्या की है वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे। अब आप देख सकते हो मेरा पल्लू अच्छे से सेट हो गया है, बॉर्डर मेरा अच्छे से सेट हो गया है, तो मेरा पूरा ओवरऑल लुक कुछ इस तरीके से है। उसके बाद मैंने अपनी ज्वेलरी वगैरह सारी जो है पहन ली थी जो भी मुझे पहनना था और पूरा लुक के साथ मैं रेडी हो गई हूँ। अभी मैं दिखाने वाली हूँ कि मेरी सेकेंड जो गलती है वो आप कहाँ पर देखोगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो पहले आप देख लीजिए कि मेरा ओवरऑल लुक कैसा लग रहा है, ये आप मुझे जरूर बताइएगा। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं कर रहे तो ज़रूर करिएगा फॉलो, क्योंकि वहाँ पर भी मैं पहले सबसे अपडेट देती हूँ जो भी वीडियो में डालने वाली होती हूँ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे लुक्स मैं और भी लाती रहूँगी आगे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब मैं राउंड कर रही हूँ, घूम रही हूँ या मैं चल रही हूँ तो मेरी फॉल आपको दिखती हुई नज़र आएगी। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर गलती कर दी थी कि मुझे एक पिन को जो था नीचे वाले बॉर्डर के साथ मिला के उसे जो है सेट कर देना था ताकि जब मैं चलती या मैं उठती बैठती तो मेरी जो है फॉल ना दिखती। ये चीज़ मैंने बाद में की थी, हालांकि वीडियो ये देखिए वीडियो में करना मैं भूल गई थी। तो ये था मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइए।